ये देखिए, आज मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी भिंडी की। मैं धो के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, और बटाटा भी काट ली हूँ बारीक बारीक, और एक प्याज ली हूँ। चलिए इसको मैं धो के अच्छे से काट ली हूँ। चलिए प्याज काट के रखते हैं। मैं चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कांदा और हरी मिर्ची काट ली हूँ, इसमें तेल डाल देते हैं। थोड़ा सा राई का तेल डाल रही हूँ और थोड़ा सा मीठा तेल। ये देखिए, थोड़ा सा ये मीठा तेल डाल रही हूँ। चलिए चूल्हे को तेज कर देते हैं, कांदा को पकने देते हैं अच्छे से। देखिए कांदा लाल हो गया है, जो काट के रखे थे। भिंडी और बटाटा डाल देते हैं इसमें। एक मैंने टमाटर भी काट लिया, ये भी डाल देते हैं। स्वाद कितना, इसको भी मिला देते हैं इससे। तो अभी ढक देंगे पकने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा चला देते हैं। बराबर चला देते हैं अच्छे से। समझो आधा गल चुका है, चला देंगे। ये एक बार और देख लेते, चेक कर लेते गलन को। देखिए तैयार हो गया है, इसको निकालते हैं प्लेट में। ये देखिए, चलिए चूल्हा बंद कर देते हैं। आलू भिंडी की सब्जी है, इसमें कोई मसाला नहीं डाली हूँ, सिर्फ प्याज और मिर्ची डाली हूँ। एकदम सूखी सब्जी बनाई, आप रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह।